सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। यदि आप वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको असाइनमेंट बना के उसको समय पर सबमिट करवाना अत्यंत आवश्यक है। अब जो असाइनमेंट बना के हम रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर पर जो भेजते हैं बाय डाक या फिर व्यक्तिगत रूप से, तो वो सबमिट हुआ या नहीं इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो उसके लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं घर बैठे ही कि आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपको वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो मेन साइट है वहाँ पे जाना होगा। उसके लिए आपको सीधा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे जो वन व्यू है, स्टूडेंट वन व्यू, उस टैब को ओपन करना होगा। तो यहाँ स्टूडेंट वन व्यू को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपने स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ टाइप करके आगे बढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पे स्कॉलर नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा के इसको आगे बढ़ता हूँ। एक बात का ध्यान रखना है, आप स्कॉलर नंबर जैसे ही लगाते हो आप बीच में जो माइनस वाला सिंबल है वो जरूरी लगाए, अन्यथा आपके एरर आएगा। ठीक है, तो मैं अपने स्कॉलर नंबर है वो टाइप कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपके सामने इस टाइप से आपकी स्टूडेंट वन व्यू की जो संपूर्ण डिटेल है वो नजर आएगी। आपको स्कोर करके इसको नीचे जाना है आपके असाइनमेंट की जो जांच करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक एडमिशन डिटेल है वो नजर आ रही है आपको, 2021-2022 के अंदर में जो एडमिशन लिए है वो संपूर्ण डिटेल यहाँ नजर आ रही है। यानी जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया होगा वो आपको यहाँ नजर आएंगे, जो भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है। मेरे MA हिस्ट्री चल रही है, MA हिस्ट्री प्रीवियस और फाइनल। अब प्रीवियस का तो ऑनलाइन हमने असाइनमेंट जमा किया था जैसा कि आपको पता है, और MA हिस्ट्री फाइनल का जो असाइनमेंट है वो अब व्यवस्था चेंज कर ली और वापस ऑफलाइन असाइनमेंट तैयार करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फाइल तैयार करके सबमिट करना होता है। और ऐसा मैंने एक वीडियो बना के आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ कि किस ढंग से आपको फाइल बनाना है, कैसे लिखना है और कैसे उसको बाय पोस्ट या फिर व्यक्तिगत रूप से रीजनल सेंटर या फिर आपके स्टडी सेंटर पे आपको जमा करवाना है। और अब की बार काफ़ी चेंजिंग है, काफ़ी ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे आपको रीजनल सेंटर पे जमा करवाना है असाइनमेंट, और काफ़ी ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट है वो जमा करवाना है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपका असाइनमेंट है वो कहाँ जमा होगा। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आपको अपना असाइनमेंट है वो कहाँ जमा करवाना है, रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर। अब देखिए आपको कैसे चेक करना है कि आपका असाइनमेंट है वो जमा हुआ या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टैब नजर आ रहा है असाइनमेंट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक करूंगा मुझे अपना असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ या नहीं ये नजर आएगा। देखिए अगर जैसे मैंने असाइनमेंट 5 फाइल बना के भेजी थी, MAHI 05, 06, 15, 13 और 14, ये जो मैंने पेपर में एडमिशन लिया हुआ है इन सभी प्रोग्राम की मैंने फाइल अलग अलग फाइल तैयार करके अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवाई थी। यहाँ पे देखिए रिसीव्ड डेट, यानी आज की डेट में ही ये रिसीव हुआ है, यानी 20 जून 2023 को, राइट, सब 20 तारीख को ये रिसीव हुआ है। और रिसीव कहाँ हुआ है वो भी यहाँ पे आ गया है, देखिए स्टडी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट भेजना था तो मैंने भेज दिया और मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ रिसीव्ड ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी मेरा प्रॉपर तरीके से मेरा असाइनमेंट है वो सबमिट हो गया है। तो दोस्तों ये तरीका है आपका असाइनमेंट जमा हुआ या नहीं। और भी इसके बारे में कोई डिटेल में जानकारी चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं वापस एक वीडियो के द्वारा आपको पूरी डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।